हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर आज मैं आपको सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के टॉपिक ट्रिपल कॉलम कैश बुक को कराने जा रहा हूं हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है और मैं इसका आपको प्रैक्टिकल भी सॉल्व करके दूंगा तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज़ दैट टाइप ऑफ कैश बुक इन विच थ्री टाइप्स ऑफ कॉलम्स और थ्री कॉलम्स आर प्रिपेयर टू एंटर द ट्रांजेक्शन्स जो कि रिलेटेड है एक कैश से एक बैंक से एक डिस्काउंट अलाउड से और दूसरा डिस्काउंट रिसिव मतलब ये तीनों कॉलम जो अमाउंट के होते हैं वो इकट्ठे एक, एक ही कैश बुक में आएंगे आप नीचे ज़रा फॉर्मेट की तरफ देखिए तो कैश बुक में अगर तीन कॉलम डेबिट में बने हुए हैं तो तीन कॉलम क्रेडिट में भी बने हुए हैं अमाउंट के पहला कैश का बैंक का डिस्काउंट रिसीव्ड का सॉरी डिस्काउंट अलाउड का और इधर है कैश का बैंक का और डिस्काउंट रिसिव का माइंड इट यदि इस तरह पहले कैश है तो यहाँ भी पहले कैश ही आना चाहिए दूसरा अगर बैंक है तो यहाँ भी बैंक ही बनाओगे यहाँ डिस्काउंट अलाउड है तो नो डाउट यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव रहेगा तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के देता हूँ देर इज़ नो नीड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन जर्नल से रिलेटेड एंट्रीज में आपको डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट के कॉलम बने हुए हैं उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्रीज विल बी पास इन द सेम वे एज वी डिड इन द डबल कॉलम कैश बुक कॉन्ट्रा एंट्रीज वैसे ही पास होंगे जैसे डबल कॉलम कैश बुक में होगा होता था कैश और बैंक कॉलम यहीं पे हैं चेक्स इन हैंड एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर जो चेक इन हैंड मिले हैं और सेम डेट को डिपॉजिट नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स वो हमें जर्नल प्रॉपर में ही डालने पड़ेंगे एंड अगेन देर इज नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं होगी तो चलिए अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके देता हूँ मेरे पास एक एग्जाम्पल बनी हुई है प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन तो कैश इन हैंड का बैलेंस है जनवरी एक को बैंक ओवर ड्राफ्ट है तो मैं एक एक करके ये एंट्री आपको डाल के दिखाता हूँ कैश बुक में आपको ज़्यादा समझ आएगा ये देखिए ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है आपके लिए ठीक है जी तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कैश बुक यहाँ लिखेंगे कैश बुक ट्रिपल कॉलम फॉर द पीरियड जैन टू ज़ीरो ट्वेंटी ये आ जाएगा डेबिट है और ये साइड क्या आ जाएगी क्रेडिट ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेट यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर ये आ जाएगा लेजर फोलियो ये आएगा कैश रुपीस ये आ जाएगा बैंक रूपीज़ और ये डिस्काउंट अलाउड रूपीज़ ये डेट ये पर्टिकुलर्स ये लेजर फोलियो ये कैश ये आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीस तो सबसे पहले यहाँ पे है कैश इन हैंड बैलेंस और बैल बैंक ओवरड्राफ्ट का तो 2020 को यहाँ पे जैन ए को क्या आएगा स्टूडेंट्स टू बैलेंस ब्रॉड डाउन तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है स्टूडेंट्स यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड का है और बैंक का ओवरड्राफ्ट होने की वजह से ये यह ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आएगी ये 2020 को जैन ए को क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बीस हजार आ, आ जाएगा उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम जतिन ट्वेंटी थाउजेंड आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ थ्री हंड्रेड जतिन से हमें कैश मिला है दो तारीख को ठीक है स्टूडेंट्स और वो डिस्काउंट काटने के बाद तीन सौ रुपए डिस्काउंट काटने के बाद तो दो बीस हजार तो यहां हमारे पास ये कैश में आ जाएगा और तीन सौ यह डिस्काउंट अलाउड में आ चला जाएगा उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू रामा एट अ ट्रेड डिस्काउंट टेन परसेंट ऑन क्रेडिट तो पहली बात ये तो सामान बेचा है आपने सेल की एंट्री होनी चाहिए और वो भी क्रेडिट की तो ये तो सेल बुक में जाएगी ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी चालीस हज़ार का सामान है पर इसमें नहीं जाएगा अब दूसरा उसके बाद एंट्री है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रामा आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट सात सौ टू परसेंट तो यहाँ पर आपको मैं करके देता हूँ ये चेक रिसीव हुआ रामा से टू रामा करके हम करेंगे एंट्री देखिए स्टूडेंट्स पिछले में हमने इसको सामान बेचा था दस परसेंट के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद चालीस हज़ार का तो ये काटने के बाद ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद कितने कराया गया ये थर्टी सिक्स थाउजेंड का अब उसमें से दो परसेंट सी काटेंगे दो परसेंट सी काट के कितना कैश डिस्काउंट हो गया सात सौ बीस का ठीक है जी और उसके बाद हमें चेक मिल गया तो चेक की एंट्री हम यहाँ करेंगे पैंतीस और सात ओके जी अब उसके बाद है मशीनरी परचेज एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक तो ये सात तारीख को क्या आएगा बाय मशीनरी करके तीन हजार की मशीनरी हमने चेक से पेमेंट कर दी है तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगी स्टूडेंट्स ठीक है जी अब उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम रामा डिसऑनर्ड रामा से जो चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया है तो ये इसकी अब इस तरफ रिवर्स एंट्री आ जाएगी नौ तारीख को बाय रामा रामा दोबारा हमारा डेटर बन जाएगा अमाउंट नहीं लिखा बट हमें पता है कि अमाउंट वही का वही होता है चेक का अमाउंट तो चेंज नहीं होगा ना 280 ये आपकी रिवर्स एंट्री होगी और अब ये डिस्काउंट जो हमने उसको दिया था वो भी रिवर्स कर देंगे वो डिस्काउंट अलाउड जो था अब वो उसको डिसअलाउ हो जाएगा तो इसकी क्या एंट्री आएगी यहाँ हम अब इधर जर्नल में दिखाएंगे इसको जर्नल में कैसे दिखाएंगे रामा दोबारा मेरा डेटर बन गया रामा डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड कितना था उसका 720 720 अब मैं डिस्काउंट क्या करूंगा जनवरी नौ को रिवर्स कर दूंगा राइट स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट्स को रामा के चेक डिसऑनर होने के बाद परचेज गुड्स फ्रॉम शक्ति ठीक है जी परचेज गुड्स फ्रॉम शक्ति एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ वर्थ तीस छः सौ मतलब सामान कितने का बना तीस हजार का लेकिन ये एंट्री परचेज बुक में जाएगी ये यहाँ नहीं जाएगी ओके पेमेंट मेड टू शक्ति आफ्टर रिसीविंग कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट काटने के बाद हमने क्या किया है उसको पेमेंट की है तो देखिए ये दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि ऊपर ये नहीं बताया था कि वो कैश से खरीदा था या चेक से तो इस केस में ये एंट्री तीस हजार की एंट्री क्रेडिट की हो गई और ये किस में जानी चाहिए परचेज बुक में अब है पेमेंट मेड टू शक्ति आफ्टर रिसीविंग कैश डिस्काउंट और दो परसेंट तो इसको कैसे निकालेंगे ये तीस हजार तीस हजार में से आपको दो परसेंट सिक्स हंड्रेड माइनस करके ये आएगा उनतीस हजार चार सौ ये आप कैश से पेमेंट करोगे कैश से पेमेंट करोगे और इसका क्या लिखेंगे हम तेरह तारीख की एंट्री बाय शक्ति करके शक्ति करके कितना आ जाएगा उनतीस हजार चार सौ और ये सिक्स हंड्रेड माइंडेड स्टूडेंट्स परचेज की एंट्री परचेज बुक में जाएगी ठीक है जी तीस हजार छत्तीस तीस छह सौ का था छह सौ रुपया ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद वो तीस हजार का रह गया अब तीस हजार में से दो सौ रुपया और दो परसेंट मतलब छह सौ रुपया और कट जाएगा तो उनतीस चार सौ की एंट्री होगी उसके बाद है पंद्रह तारीख को हमें क्या करना है टू कमीशन रिसीव्ड तो कमीशन रिसीव करके पैसा हमारे पास यहां आ जाएगा कैश में दो हजार रुपया इधर कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगी चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड फॉर द गुड सेंट और सोल्ड लास्ट मंथ लास्ट मंथ उसको जो सामान बेचा था सोल्ड किया था उसका उसने चेक दिया है हमें और साथ के साथ अगले में लिखा है कि वो जो चेक है उसका मोहन का चेक वो हमने इंडोर्स कर दिया है सोहन को तो इसकी हमें दोनों एंट्रीज जनरल में करनी पड़ेंगी तो पहले मैं सोलह तारीख की एंट्री आपको करके देता हूँ ये आ जाएगा चेक इन हैंड क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं हुआ था इसलिए चेक इन हैंड डेबिट करके टू क्या आएगा टू मोहन ये ट्वेंटी थाउजेंड यहां आ जाएगा उसके बाद सेवनटीन को क्या आएगा मोहन नहीं ये हमने ट्रांसफर किसको किया सोहन को तो ये सोहन डेबिट हो जाएगा सोहन डेबिट टू चेक इन हैंड सोहन डेबिट टू चेक इन हैंड करके एंट्री आ जाएगी इसकी तो ये चेक का अमाउंट तो बीस हजार ही रहेगा बीस हजार ही आ जाएगा स्टूडेंट्स एक व्य हमारा डाटा था उसे चेक मिला हमें बीस हजार का पिछले मंथ कोई सामान बेचा होगा उसकी आज पेमेंट मिली है चेक से लेकिन वो जमा नहीं हुआ क्योंकि सतारह तरीक को हमने उसको इंडोर्स कर दिया था ट्रांसफ़र कर दिया तो ये तो सोलह तरीक को पहले चेक इन हैंड ले लो मोहन से और फिर वो सोहन जो हमारा क्रेडिटर है जिसको हमने वो चेक इन हैंड दिया है उसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी और ये दोनों एंट्रीज कैश बुक में नहीं आएंगी चलिए स्टूडेंट्स अब अगली एंट्री करते हैं अठारह तरीक की 18 तरीक की है गुड सोल्ड फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट टेन परसेंट कैश में सामान बेचा है ट्रेड डिस्काउंट दस परसेंट तो बीस हजार का सामान है दस परसेंट ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद वो बचेगा अठारह हजार का तो ये 18000 हजार आएगा यहां पे टू सेल्स करके एंट्री हो जाएगी कितने की अठारह हजार की राइट right, स्टूडेंट्स उसके बाद है उन्नीस तारीख को कैश डिपॉजिट हुआ इन टू बैंक तो इसमें एंट्री बनेगी उन्नीस तारीख को बाय बैंक करके यहाँ से कैश हम डिडक्ट कर देंगे ठीक है जी और सेम उन्नीस तारीख को टू कैश लिख के यहाँ बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा सॉरी बैंक तो ये यह है यहाँ कुछ नहीं आएगा ठीक है जी उसके बाद विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज प्रोपराइटर ने ड्राॅइंग्स की हैं ये कहाँ आएंगी बैंक से पैसा निकाला है उसने तो सात सौ रुपया बैंक से कट जाएगा उसके बाद है कैश सेल कैश सेल कैसे आएगा तीस तारीख को टू सेल्स करके कितना आ जाएगा आठ हजार कैश में ये ट्रांजैक्शन चली जाएगी और सैलरीज भी आपने पेड की हैं तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब पेड कैश में से ही डिडक्ट होगा ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स सिक्स थाउजेंड का कैश में चला जाएगा उसके बाद विद्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज तो ये भी काउंटर एंट्री आएगी इकतीस तरीक को बाय कैश लिख के ये सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा और बैंक से पैसे निकल जाएंगे फाइव थाउजेंड ठीक है जी और इधर क्या आ जाएगा थर्टी वन को टू बैंक करके काउंटर एंट्री कैश में पैसे आ जाएंगे फाइव थाउजेंड ठीक है जी चलिए अब हम इसका टोटल जैसे आए यूजल करते हैं एक एक करके इसका हमें टोटल करना पड़ेगा सारी ट्रांजेक्शन मैंने लिख दी हैं इंडोर्स की एंट्रीज और डिस्काउंट रिवर्स करने की एंट्री जर्नल एंट्रीज में जाएगी एक एक करके करते हैं मैं सबसे पहले आपको डिस्काउंट अलाउड समझाता हूँ कि ये कैसे क्लोज़ करना है इसका बैलेंस नहीं निकालना ना ही डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस निकालना बिकॉज आपको पता है कि ये बैलेंस नहीं निकलेंगे निकलते इसके ये आगे किस में चला जाएगा पी एंड एल अकाउंट में चला जाता है यहाँ से तो ये छः सौ रुपया यहाँ आ जाएगा इसका टोटल छः सौ इसका सिंपली टोटल करके आपको लिख देना है अब हम कैश अकाउंट का टोटल करेंगे कैश अकाउंट में मेरे पास ट्रांजेक्शन है फिफ्टी प्लस सेवन ट्वेंटी सेवेंटी प्लस टू एट्टी ट्वेंटी हो गया नाइन्टी एट और ये क्या आ जाएगा ये पैसा हमारा बैंक से कैश में आ गया था ना फॉर ऑफिस यूज ठीक है तो अब ये ऊपर फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवेंटी अब ये बीस हजार ये ये दोनों मिला के बीस हज़ार प्लस आठ हज़ार प्लस पाँच हज़ार तो ये क्या आ जाएगा हमारा एक लाख तीन हज़ार ये आ जाएगा एक लाख तीन हज़ार और उसमें से मैं माइनस करूँगा उनतीस हजार चार सौ माइनस बीस हज़ार माइनस छ हज़ार तो इसका बैलेंस क्या आएगा हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया स्टूडेंट्स सैंतालीस हज़ार छः सौ स्टूडेंट्स ये ट्रांजेक्शन्स में से ये ट्रांजेक्शन हमने माइनस कर दी अब ध्यान से देखने वाली बात है अगली ट्रांजेक्शन में क्या होगा अगली ट्रांजेक्शन में ये देखिए मतलब अगले कॉलम में बैंक में ये दो ट्रांजेक्शन्स ही हैं और यहाँ पे बैंक में पेमेंट्स ज़्यादा हुई हैं तो ये साइड बड़ी आएगी बिकॉज ऑलरेडी हमारा ओवरड्राफ्ट था तो इस केस में भी ये ओवरड्राफ्ट निकल रहा है तो हम इसको इस तरफ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीडाउन तो पहले हम नेचुरली फिर ये साइड का टोटल करेंगे बीस और तीन तेईस हज़ार जमा पैंतीस दो सौ अस्सी जमा सात सौ और जमा पाँच हज़ार तिरसठ नौ सौ अस्सी तिरसठ नौ सौ अस्सी माइनस पैंतीस दो सौ अस्सी माइनस बीस हज़ार तो स्टूडेंट्स ये हमारा बैलेंस यहां आ जाएगा और ये पैसा तिरसठ नौ सौ अस्सी यहां आ जाएगा एक सौ तीन यहां आ जाएगा अब इसका हम बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन फरवरी एक को 8700 हंड्रेड यहां आ जाएगा बैंक का और फेब एक को आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन सैतालीस हजार छ सौ ठीक है जी ये था हमारा ट्रिपल कॉलम स्टूडेंट्स ट्रिपल कॉलम को बनाना मुश्किल नहीं है बस सिर्फ आपको एक चीज का देख ध्यान देना है कि कैश की ट्रांजैक्शन कैश में और बैंक की ट्रांजैक्शन बैंक में आएगी थोड़ा सा इसको कंसनट्रेट होकर करना पड़ेगा आपको अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंडोर सेंट्रीज या जो क्रेडिट एंट्रीज हैं वो इसमें नहीं आएगी डिस्काउंट जो डिसअलाउ हुआ है वो आपको जनरल में करना पड़ेगा डिस्काउंट डिसअलाउड आप uh, जो डिसऑनर चेक है उसका इस तरफ नहीं लिख सकते क्योंकि ये कॉलम डिस्काउंट रिसिव का है ठीक है जी कैश का बैलेंस तो आपको पता है डेबिट ही रहेगा लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे कि हमारा ओवरड्राफ्ट था तो इसका जनरली जो बैलेंस आएगा वो ओवरड्राफ्ट ही निकलता है पर ये कोई ज़रूरी भी नहीं होता कि हर बार ओवरड्राफ्ट ही आए ये नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट बैलेंस भी आ सकता था लेकिन यहाँ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं कि ओवरड्राफ्ट ही आएगा इसलिए हमें इनके दोनों के रसीट और पेमेंट साइड का टोटल रफ में करके एक बार देख लेना है और जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो टोटल हमें उठाना है राइट right, स्टूडेंट्स ठीक है जी तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये ट्रिपल कॉलम का टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूँ इस वीडियो में थैंक यू